हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द न्यू टॉपिक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या उसके कैटेगरीज होती हैं और क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं। ये है नई क्लास जिसमें हम उसके हार्मफुल इफेक्ट जो होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से वो हार्मफुल कर सकते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। जब हमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करेंगे तो हमारे लिए क्या है, वो हार्मफुल है, तो वो हम हार्मफुल इसके अंदर इफेक्ट है और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स डिजीज कॉज करते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस या फिर जर्म्स। द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी कैटेगराइज इंटू टू ग्रुप्स। दो तरीके से हम उनको देख पा रहे हैं कि उनके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। या तो हमें वो डिजीज कॉज करें प्लांट्स को, एनिमल्स को या ह्यूमन बींग्स को, या फिर वो जो फूड है उसको स्पॉइल्ड करें। दो तरीके से वो क्या है, हमें हार्मफुल इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिजीज कैसे कॉज करते हैं या फिर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज पैथोजेंस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू कंटामिनेटेड एयर, वाटर एंड फूड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और बाई वेक्टर। कोई भी पैथोजन डिजीज कॉज करेगा किसी भी प्लांट को, एनिमल को, ह्यूमन बींग को, तो या तो वो एयर के थ्रू आएगा, या वो वाटर के थ्रू आएगा, या फिर वो फूड के थ्रू आएगा, या फिर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी आ सकता है। हम एक इन्फेक्टेड बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जब आते हैं तब भी हमें वो एक डिजीज हो सकती है, या फिर किसी भी के कैरियर के थ्रू आएगा। या फिर वैक्टर मतलब क्या होता है, कि जो उसको वहां तक पहुंचाने का काम करता है। एक हेल्दी पर्सन के पास एक अनहेल्दी पर्सन से उस चीज को वहां तक पहुंचाने का जो काम करता है, दैट इज वेक्टर। सच डिजीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल एंड द इन्फेक्शियस डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जो एक दूसरे से ट्रांसमिट होती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, जो एक दूसरे से दूसरी जगह पर जा सकती हैं, या फिर इन्फेक्शियस डिजीज जो हमें इन्फेक्शन कॉज करती है। डिजीज एयर के थ्रू भी स्प्रेड हो सकती है, फूड और वाटर के थ्रू भी हो सकती है, या फिर वेक्टर के थ्रू भी हो सकती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से, कौन सी डिजीज किस तरीके से आती है। डिजीज स्प्रेड बाय एयर, हवा से कैसे आएंगे। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए कॉमन कोल्ड और कफ स्नीज, तो थाउजेंड ऑफ पैथोजेंस आर रिलीज्ड इनटू द एयर। जब हम छींकते हैं या फिर हमें जब कफ होती है, खांसी होती है, तो जो हवा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो किसी एक हेल्दी पर्सन के जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तब वो उसको क्या है, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ पैथोजेंस रिलीज हो जाते हैं एयर के अंदर, हवा में, और वही एयर जब दूसरा एक हेल्दी पर्सन इनहेल करेगा उसी एयर को, तब उसके पास क्या, वो पैथोजेंस ऑटोमेटिक चले जाएंगे। तब क्या है, डिजीज स्प्रेडिंग किसके थ्रू होगी, एयर के थ्रू। कौन सी डिजीज कॉज हो सकती है एयर के थ्रू, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीवी बोलते हैं, चिकन पॉक्स, मम्स, मिसल्स, ये सभी डिजीज क्या होती है, एयर के थ्रू कॉज। डिजीज स्प्रेड बाय फूड एंड वाटर, हवा, पानी से और खाने से कैसे ट्रांसमिट होती है। डिजीज स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फूड, कि फूड ऑलरेडी कंटामिनेटेड है, उसके अंदर, उस फूड के अंदर ऑलरेडी माइक्रोब्स डेवलप हैं, माइक्रोब्स उसके अंदर इन्फेक्शियस जो कॉज कर सकते हैं, इन्फेक्शन जो कॉज कर सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी उस फूड के अंदर प्रेजेंट है, तो वो फूड क्या है, कंटामिनेटेड फूड है। और वो वाटर भी क्या है, कंटामिनेटेड वाटर है, साफ पानी नहीं है, उसके अंदर पहले से ही जर्म्स हैं, तो वो वाटर क्या होगा, कंटामिनेटेड वाटर। उनसे हम क्या बोलेंगे, वाटर बोन और फूड बोन डिजीज। अगर वाटर की वजह से डिजीज हुई है, दैट इज वाटर बोन डिजीज, और अगर फूड की वजह से हुई है तो वो होगी फूड बोन डिजीज। वाटर एंड फूड गेट कंटामिनेटेड ड्यू टू द अनहाइजेनिक कंडीशंस और लैक ऑफ सैनिटेशन। साफ सफाई ना होने की वजह से ही फूड और वाटर से डिजीज क्या है, फैलती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह इसी तरीके से ट्रांसफर होती हैं। जब हम जो खाना खा रहे हैं वो कंटामिनेटेड है तब भी होगी, अगर हम जो वाटर ले रहे हैं वो भी अनहाइजेनिक है तब भी क्या होगा, डिजीज स्प्रेड होगी। जैसे पोलियो है, कोलेरा है, टाइफाइड है, तो ये सारी डिजीज किससे होती हैं, वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं, जो हमें अनहाइजेनिक या फिर हाइजेनिक अनहाइजेनिक कंडीशंस के अंदर जब हमने वाटर लिया होता है, या फिर इन्फेक्शियस या फिर कंटामिनेटेड वाटर या फिर फूड जब हम लेते हैं, तो ये डिजीज हमें फैलती है। डिजीज स्प्रेड बाय वेक्टर,
वेक्टर क्या होता है? जो उसको वहां तक पहुंचाने का कैरियर का काम करेगा, कुरियर जिसको हम बोलते हैं, कैरियर। पैथोजेंस कैन आल्सो स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू इंसेक्ट सच एज द मॉस्किटो एंड द हाउस फ्लाइज। या तो मॉस्किटो उनको फैलाएगा या फिर हाउस फ्लाइज जो मक्खियां होती हैं वो उनको फैलाएंगी, तो इनको हम बोलते हैं कैरियर या फिर वेक्टर जो उनको फैलाते हैं। दे आर कॉल्ड वेक्टर एंड द करियर ऑफ ए डिजीज। ये डिजीज कॉज कर खुद नहीं करेंगे, सिर्फ उस डिजीज को वहां तक स्प्रेड करवाने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मलेरिया इज ए वैक्टर बॉर्न डिजीज वैन द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए मलेरिया। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताते हैं। ये देखिए, ये एक ह्यूमन बॉडी थी, इसके पास ये हेल्दी पर्सन था, इसको एक मॉस्किटो ने बाइट किया, उसके बाद ये अनहेल्दी पर्सन हो गया, मतलब इसके पास इसको मलेरिया कॉज किया। किसने? मॉस्किटो ने। जब मॉस्किटो ने इसको बाइट किया और इसको मलेरिया कॉज हो गया, तो इस मलेरिया में क्या होता है कि इसका लाइफ साइकिल, हाफ लाइफ साइकिल इसका ह्यूमन बॉडी के अंदर कंप्लीट होता है, और हाफ लाइफ साइकिल इसका जो प्लाज्मोडियम होता है जो इसको एक्चुअल में मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम, उस प्लाज्मोडियम का हाफ लाइफ साइकिल क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कंप्लीट होता है, और हाफ लाइफ साइकिल उसका मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट होता है। तो उसमें से क्या करता है, वो ह्यूमन की रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है। रेड ब्लड सेल्स को करता है, लीवर को करता है। इनको इन्फेक्ट करने के बाद ये लास्ट स्टेज आती है इसकी कि स्पोरोजोइट्स की फॉर्म बना लेता है, ये गैमेट्स की फॉर्म बना लेता है। यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सिर्फ ये गैमेट्स बनते हैं ह्यूमन बॉडी तक। अब क्या करेगा ये, कोई भी मॉस्किटो इस अनहेल्दी ह्यूमन बींग को फिर से बाइट करेगा। जब ये बाइट करेगा उस ब्लड के अंदर इसकी ये दो मेल और फीमेल गैमेट्स क्या हैं, ये उस ब्लड के थ्रू ये सक कर लेगा, और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो सारा क्या है, ये कंप्लीट जो गैमेट्स की फॉर्मेशन और गैमेट्स के बाद इसका कंप्लीट जो फॉर्मेशन होती है, ये सारी क्या है इसकी, इस जो मॉस्किटो है इसकी बॉडी के अंदर कंप्लीट होगा। जब ये सारा सब कुछ इसके अंदर कंप्लीट होगा, जब ये किसी फिर से किसी एक हेल्दी पर्सन को काटेगा, तब उसकी बॉडी के अंदर ये इस फॉर्म में दोबारा से उसको इनोकुलेट कर देगा। फिर जब ये इसको एक हेल्दी पर्सन जिसको पहले वो डिजीज नहीं थी, अब प्लाज्मोडियम को उसको स्पोरोजोइट्स फॉर्म में उसकी बॉडी के अंदर डाल दिया है, इनोकुलेट कर दिया है, तब ये दोबारा फिर ये लाइफ साइकिल है उसके अंदर कंप्लीट होगा, जिसके अंदर वो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, लीवर है, उन सेल्स को क्या है किल करने का काम करेगा। तो इस तरीके से क्या है, वेक्टर इसने खुद ये डिजीज कॉज नहीं कर रहा था, सिर्फ इसने क्या किया, प्लाज्मोडियम को इस अनहेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक पहुंचाने का काम किया है। तो ये क्या करता है, एक वेक्टर होता है। तो एज ए वेक्टर ये क्या है, वर्क करता है। तो यही इसके अंदर बताया है कि मलेरिया होता किससे है, एक्चुअल में होता है वो प्लाज्मोडियम से। लास्ट क्लास इसके अंदर हमने किया करवाया था आपको ये। तो मलेरिया में वेक्टर का काम कौन करता है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। वो मलेरिया से सफरिंग था वो पर्सन, उसको उसने बाइट किया, उसका ब्लड सक किया, और उस ब्लड के अंदर उसके मेल और फीमेल गैमेट्स थे जो आगे स्पोरोजोइट्स की फॉर्म बना लेते हैं। बाद में ये पैथोजन्स फ्रॉम दैट पर्सन एंटर इन द मॉस्किटो अलोंग विद द ब्लड, वो उस ब्लड के साथ उसके मॉस्किटो के अंदर आ गया। अब इसी तरीके से अगर वो फिर किसी एक अनहेल्दी, किसी एक हेल्दी पर्सन को काटेगा, तब उसके अंदर वो ब्लड चला जाएगा, फिर वो उसको भी क्या है, मलेरिया हो जाएगा। इसी तरीके से डेंगू होता है। डेंगू इज अनदर डिजीज कॉज बाय ए वायरस, लेकिन स्प्रेड कौन करता है, एडीज मॉस्किटो। ये डिफरेंट होता है, याद रख लेना इसको कि डी से डेंगू और एडीज के अंदर भी क्या होता है, डी आता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनिस, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, डायरिया हो जाता है, या फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वो किससे फैलती है, कंटामिनेटेड फूड, जो हमने खाना खाया है वो उसके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था। तो ये डिजीज किससे होती हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, और ये वेक्टर्स के थ्रू होती हैं, ये फैलती हैं वेक्टर्स के थ्रू। तो इसमें ये हैं बहुत सारी डिजीज हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है, कॉजेटिव और एजेंट है इसका राइनो वायरस होता है। ये इन्फेक्शन कहाँ करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर करती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की फैलेंगे कैसे, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में फैलेंगे। सिम्टम्स इसके याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इनमें याद करना है आपको डिजीज क्या है और फैलती कैसे है। मम्प्स हैं स्लाइवा के ड्रॉपलेट्स और इन्फेक्शन से, इससे फैलती है इन्फेक्शन से। मिसल्स हैं डायरेक्ट ड्रॉपलेट्स से इन्फेक्शन होता है इसका। इनमें कुछ एक में पूछ भी लेते हैं कि किस इसका ऑर्गेनिजम्स कौन है, रूबेला वायरस है जैसे इसके अंदर। वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी वायरस है इसका। पेरेंटल पेरिनेटल, इसमें क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हो जाता है, एक का ब्लड दूसरे के साथ, ब्लड के साथ जब फ्यूज हो जाता है तब ये फैलती है। चिकन पॉक्स है ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शंस की वजह से, स्नीजिंग होती है जैसे उस तरीके से। पोलियोमाइसिस ये भी क्या है, फिकल रूट से होता है।
डेंगू है जो ये मॉस्किटोज को फैलाता है, चिकनगुनिया है जो ये मॉस्किटो फैलाता है, चिकनगुनिया को भी कौन सा मॉस्किटो फैलाता है, एडिस। डेंगू को भी और चिकनगुनिया को दोनों को क्या है, एडिस मॉस्किटो फैलाता है। ये डिफरेंस होता है इनके मॉस्किटोज के टाइप्स में। सेकंड क्या है, फूड स्पॉयलर्स, कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को कैसे स्पॉयल कर सकते हैं। दो ही तरीके से हमने कहा था कि हमें हार्मफुल इफेक्ट कर सकते हैं वो, तो फर्स्ट वन इज द डिजीज जो हमने स्प्रेडिंग पढ़ ली है। अब नेक्स्ट वन इज द फूड स्पॉयलर्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम सच एज बैक्टीरिया फंजाइ ग्रो इन द फूड आइटम्स कंटेनिंग मॉइस्चर एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, दे मेक फूड पॉइजंस। देखा आपने कि कई दिन तक जब ब्रेड बाहर रखी होती है तो उसके ऊपर क्या फूड लग जाती है, इस तरीके से ग्रेन ग्रेन हो जाती है, तो वो क्या है, वो ऑर्गेनिजम क्या उसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं। पहले स्लाइड के अंदर पहले जो क्लास ली थी मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर दिखाया था कि फूड लगती है उसके ऊपर, फंजाइ जिसको हम बोलते हैं, या बहुत सारे बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो भी कर जाते हैं जिससे उसका टेस्ट बदल जाता है फूड का। तो वो क्या करते हैं, क्यों बदलता है, क्योंकि वो कोई ना कोई टॉक्सिक सब्सटेंस वहां पर प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे लिए किसी तरह काम करेगा, पॉइजन की तरह काम करेगा। ईटिंग सच फूड आइटम्स कैन लीड टू द फूड पॉइजनिंग व्हिच कैन हैव अ डिजास्टर इफेक्ट। तो इनकी वजह से फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, जिसमें वोमिटिंग होती है और उससे ज्यादा भी हो सकता है, अगर ज्यादा फूड पॉइजनिंग होती है तो डेथ भी हो सकती है। तो उसको हमने फूड जो हम लेते हैं वो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। तो हम फूड को प्रिजर्व कैसे करें, अब हम सभी खाना जो हमारा है उसको हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा, अदरवाइज तो सारा का सारा स्पॉइल हो जाएगा। तो उसको प्रिजर्वेटिंग के बहुत सारे तरीके हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड बाय फॉलोइंग टेक्निक्स, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करना, बचाना लंबे टाइम तक, उसको सुरक्षित रखना, दैट इज प्रिजर्वेशन। क्या हो सकते हैं मेथड्स, तो ड्राई कर सकते हैं किसी भी चीज को, कुछ एक चीजें जिसको हम सन ड्राई करके पैक कर सकते हैं, कुछ एक को हम हीटिंग दे सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, सॉल्ट ऐड करके हमको प्रिजर्व कर सकते हैं, शुगर ऐड करके प्रिजर्व कर सकते हैं, ऑयल या फिर विनेगर यूज करके कर सकते हैं, पाश्चराइजेशन मिल्क के लिए होता है जिसमें वो कुछ टाइम के लिए क्या है प्रिजर्वेशन हो सकती है। इसमें देखते हैं क्या क्या होता है, ये हमने अलग बताया है। इसके अंदर जैसे बॉटलिंग और कैनिंग हो सकती है, पिकलिंग हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, साल्टिंग हो सकती है, वैक्यूम पैकिंग हो सकती है, कूलिंग और फ्रीजिंग के थ्रू हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, वैक्सिंग करके कर सकते हैं, बॉइलिंग करके कर सकते हैं, पॉइस्चराइजेशन से कर सकते हैं, स्मोकिंग से कर सकते हैं। स्मोकिंग का केस जो फिशेस के लिए ज्यादा होता है कि फिश को प्रिजर्व करने लंबे टाइम के लिए तब हम स्मोकिंग करते हैं। तो ड्राइंग में क्या किया जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट रियली ग्रो और रिप्रोड्यूस विदाउट मॉइस्चर, जब तक उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होगा तो ग्रो नहीं कर सकते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मॉइस्चर का मतलब क्या, उसके अंदर की वाटर कंटेंट अगर उसके अंदर है तब तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ क्या ग्रो कर सकते हैं। तो उस फूड के अंदर से अगर माइक्रो मॉइस्चर को निकाल देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। इट इज द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर बाय वार्मथ और बाय हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई करके या फिर हम उसको वार्म करके क्या कर सकते हैं, उसका वाटर है वो रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से मेथड को हम बोलते हैं सनी या फिर ड्राइंग ट्रीचर। फूड कैन बी ड्राइड यूजिंग कमर्शियल मेथड जैसे स्प्रे ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, AFD। ये डिफरेंस आपको सिर्फ याद रखना है कि ड्राइंग के मेथड से हम कैसे उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द फूड प्रिजर्वेशन बाय ड्राइंग का अलग अलग प्रोसेस है, इस तरीके से हम ड्राई कर सकते हैं उसको, जैसे हम सन ड्राई बोलते हैं, सूरज में रोशनी में उसको क्या हम फैला के रख देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि रिमूविंग द फूड वाटर, फूड के अंदर जो वाटर कंटेंट था वो क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा, वेपराइजेशन हो जाएगी उसके, जिसकी वजह से वाटर कंटेंट वेपर की फॉर्म में फूड से निकल जाएगा। जब वो नहीं होगा वहां पर तो इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं, इनबिल्ट का ग्रोथ हो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वाटर का कंटेंट या मॉइस्चर उसके अंदर है नहीं। इसको हम बोलते हैं सन ड्राइंग, की सन की प्रेजेंस में उसको किया जाता है फ्रिज। साल्टिंग, साल्टिंग में क्या किया जाता है, साल्टिंग एन एज ओल्ड वे ऑफ द प्रिजर्वेशन मेथड। साल्टिंग में क्या किया जाता है, जैसे हम पिकल डालते हैं, अचार डालते हैं, तो बहुत सारे उसके अंदर साल्ट डालते हैं, जब साल्ट डालते हैं तो उसके अंदर से वाटर का कंटेंट बाहर निकल आता है। ये जो रूल है, जो साल्टिंग डाला जाता है, ये एक्जोस्मोसिस का एक फिनोमेना होता है, उसके ऊपर काम करता है। हाई क्लासेस के अंदर आपको एक्जोस्मोसिस बता दिया जाएगा, एक्जो होता है बाहर और बाहर वाटर का कंटेंट, इसके अंदर जो वाटर था वो वाटर बाहर निकला है, उसके लिए हम साल्टिंग का यूज किया जाता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग बहुत पुराना मेथड है। साल्ट ड्रो आउट मॉइस्चर एंड प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ग्रोइंग। साल्ट डालने के बाद जो उस लिविंग
थिंक के अंदर जितना भी वाटर था वो सारा वाटर बाहर निकलाएगा उससे माइक्रोऑर्गेनिज्म, और वो हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देगा क्योंकि मॉइस्चर अब है ही नहीं। इन दिस प्रोसेस फूड सच एज द फ्रेश फिश आर गटेड, वॉश्ड एंड कोर्स साल्ट इज रब्ड इन टू इट। जैसे फिश होती है, फ्रेश फिश होती है, उसको क्या किया जाता है वाटर साल्ट के अंदर, उसको साल्ट के अंदर डिप कर दिया जाता है जिससे उस फिश के अंदर जितना भी वाटर कंटेंट होगा वो सारा बाहर निकलेगा, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। कैनिंग के प्रोसेस में क्या किया जाता है, हीटिंग किया जाता है उसका। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हीट टू फूड्स दैट सील्ड इन ए जार इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय एनी माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज फूड स्पॉइल्स। इनको कैन कर दिया जाता है, प्रॉपर हीट करके इनको बंद कर दिया जाता है जिससे माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर कैनिंग टेक्निक्स स्टॉप दिस स्पॉइल्स बाय हीटिंग द फूड for a specific period of time and killing these unwanted microorganisms. तो उसके अंदर कोई भी microorganisms grow नहीं कर पाएगा क्योंकि heat की वजह से उसमें इतना microorganisms को grow करने का temperature नहीं है। During the canning process, air is derived from the jar. उससे air निकाल दी जाती है क्योंकि air के मिट्टी के अंदर भी क्या होता है, moisture होता है जो उनको favor कर सकता है वहाँ पर grow करने के लिए। तो air क्या है, वहाँ से निकाल दी जाती है, जार से वैक्यूम होता है, वैक्यूम में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर सकता। तो ये होता है कैनिंग का प्रोसेस जिसमें हाई हीट के ऊपर उनको पैक कर दिया जाता है। पाश्चराइजेशन में क्या किया जाता है, इनएक्टिवेशन ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। पाश्चराइजेशन मेनली होता है मिल्क का। मिल्क को क्या किया जाता है, हाई हीट दिया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस और 161 फारेनहाइट। अगर हम इतने के ऊपर वाटर मिल्क को बॉयल करते हैं कितने टाइम के लिए, 15 सेकंड्स के लिए, और उसको इमीडिएटली उसी के तुरंत बाद उसको कूलिंग इफेक्ट दिया जाता है, कूल कर दिया जाता है। ये अलग अलग होता है, 72 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उनको 15 सेकंड के लिए करना है। अगर 63 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तब उनको 30 मिनट के लिए बॉयल करना और उसके जस्ट बाद इमीडिएटली उसको कूलिंग कर देना है, जिसके बाद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर होते हैं सभी के सभी क्या है, किल हो जाते हैं और वो आगे ग्रो नहीं कर पाते। डज नॉट किल ऑल वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल्स और स्पोर्स बैसिलस की स्पीशीज जो है, कुछ एक स्पीशीज रह जाती है टेंपरेचर में, लेकिन ज्यादातर पाश्चराइजेशन टेंपरेचर क्या है, रिकॉर्ड करना होता है। इतने टेंपरेचर पर पहुंचते ही 15 सेकंड तक उस मिल्क को बॉयल किया जाता है और इमीडिएटली उसको कूलिंग किया जाता है, जिसके बाद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर होते हैं वो सभी की डेथ हो जाती है और उसका लाइफ टाइम या फिर सेल्फ लाइफ है जो मिल्क की वो बढ़ जाती है। ये है हमारा हार्मफुल इफेक्ट्स, इसके अंदर कितने आए थे। अब इसके क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, इसके अंदर से पैथोजेंस क्या होते हैं, मलेरिया कौन कॉज करता है, स्प्रेड कौन करता है, स्प्रेड मतलब कि डेंगू वेक्टर कौन है मलेरिया का, डेंगू को कौन स्प्रेड करता है, पाश्चराइजेशन क्या होता है, साल्ट या फिर हाउ साल्टिंग प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए साल्टिंग कैसे हेल्प करती है, और डिफाइन द पाश्चराइजेशन कि पाश्चराइजेशन होता क्या है। ये सब आपका लेवल तक इतना ही पूछा जाता है, इससे इतने ही क्वेश्चन आते हैं। इसकी पूरी वीडियो को देखना, इसमें आपको जो क्वेश्चन आपको लास्ट में दिए गए हैं उनके सभी के आंसर्स मिल जाएंगे। अगर किसी का नहीं मिलता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो करवा दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।